अगर देखा जाए हमारे भारतीय रेल में क्या क्या विकास हुआ इन दो तीन सालों में, तो वंदे भारत एक्सप्रेस का नाम सबसे ऊपर रहेगा। जी हाँ गाइस, रेलवे हमारा वंदे भारत एक्सप्रेस को लॉन्च करता जा रहा है और आज हम चलाने वाले हैं 22962 अहमदाबाद से मुंबई सेंट्रल के लिए चलने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस। हाय गाइस, इट्स डीसी हियर, आल्सो नोन एज मायसेल्फ देवांश एंड देवांश चतुर्वेदी 2। क्या हाल है यार आप सभी के? गरीब रथ का सफर आई होप सभी ने एंजॉय किया हो। आज का सीन यार कुछ ऐसा है, आप देख ही सकते हैं हमारी जो वंदे भारत एक्सप्रेस है गाइस, वो सूरत रेलवे स्टेशन में एंट्री ले रही है। और अगर आज की वीडियो में मैं आपसे ट्रैफिक की बात करूं, एक्शन की बात करूं, तो आज भी हमारी वीडियो में बहुत ही ज्यादा ट्रैफिक रहने वाला है। ओवरटेक्स, पैरेलल ओवरटेक्स, पैरेलल रेसेस काफी ज्यादा होने वाली है। तो भाई तुम सभी अपनी सीट की बेल्ट बांध लो, सीट बेल्ट बांध लो अगर आपको वंदे भारत एक्सप्रेस में दी गई हो तो। गाइस सुबह के हो रहे हैं 8:24 और यहाँ पर जो हमारी वंदे भारत है उसने कर दी है एंट्री सूरत रेलवे स्टेशन में 12834 हावड़ा से अहमदाबाद के लिए चलने वाली सुपर फास्ट एक्सप्रेस, जो कि किसी वैफोर के साथ डिपार्ट कर रही है सूरत रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 से। और अगर मेरी ट्रेन जो है प्लेटफॉर्म में एंट्री ले चुकी है, तो मैं ना यार यहाँ पर थोड़े से अपने ब्रेक्स को अप्लाई कर देता हूँ ट्रेन के, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरा जो सिग्नल है वो मैं जंप कर जाऊँ। वंदे भारत एक्सप्रेस चला रहे हैं, हाई प्रायोरिटी वाली गाड़ी है, लोगों की सेफ्टी भाई नंबर 1 पर रहने वाली है। और जैसा कि आप देख सकते हो सुबह हो रही है और सूरत रेलवे स्टेशन पर कितना प्यारा ट्रैफिक आपको देखने के लिए मिल जाता है। यहाँ पर हमारे साइड में कोई ट्रेन खड़ी है जिसमें कोई ईओजी घुर्रा रहा है बहुत ही बढ़िया तरीके से। और आगे चल के देखते हैं, अभी मेरा जो प्लेटफॉर्म का डिस्टेंस है गाइस वो पूरा यहाँ पर वैनिश नहीं हुआ है, तो भाई ट्रेन को हल्का सा और आगे जाने देते हैं। अभी आप देख सकते हो हमारी जो ट्रेन है उसके कितने प्यारे यहाँ पे ब्रेकिंग साउंड हो जाती है। तो चलो भाई वंदे भारत एक्सप्रेस को रोकते हैं सूरत रेलवे स्टेशन पर। तो भाई देखो ट्रेन हमारी रुक चुकी है, वंदे भारत है, चलो यार इसके डोर्स को ओपन करते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो हमारी जो वंदे भारत एक्सप्रेस है, जैसे कि असली में इसमें ऑटोमेटिक डोर्स दिए जाते हैं ना रियल लाइफ में, वैसे ही आपको गेम में भी ये सब देखने के लिए मिल जाता है। जो हमारी ये वंदे भारत एक्सप्रेस है, इसके जो मॉडलर हैं वो हैं अपने रोहन भाई। काफ़ी टाइम पहले वो वंदे भारत एक्सप्रेस को इस गेम के अंदर लेकर आए थे, हालांकि जब वो लेकर आए थे तो वो व्हाइट और ब्लू वाली लिवरी में लेकर आए थे। अभी जैसे आप सभी जानते ही होंगे, रेलवेज हमारा जो वंदे भारत है वो काफ़ी सारी रोल आउट करता जा रहा है। और अगर नई लिवरी की बात करें तो ये वाली सैफ्रॉन लिवरीज बहुत सारी आजकल देखने के लिए मिल जाती हैं वंदे भारत के ऊपर। तो भाई मैंने सोचा क्यों ना आज की हमारा जो सफ़र हो वो यार इसी लिवरी वाली वंदे भारत के साथ किया जाए। और चलो इतने अपने पैसेंजर्स को बैठने देते हैं और सूरत रेलवे स्टेशन पर थोड़ा घूमते हैं। और यहाँ पर अगर मैं आपको दिखाता हूँ प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर, सुखा जी जो ट्रेन खड़ी है ये है गांधीधाम से विशाखापट्टनम के लिए चलने वाली सुपरफास्ट एक्सप्रेस, जिसको कोई वैप 7 यहाँ पर आप देख सकते हो दिया गया है। लालागोड़ा शर्ट का ये वैप 7 है, 39247 इसका रोड नंबर है। और बात की जाए भाई हमारी वंदे भारत की, तो 5 मिनट का हॉल्ट यहाँ पर हमें देखने के लिए मिल जाता है, हालांकि जो इसकी टाइमिंग्स है वो यहाँ पर थोड़ी ऑपोजिट हो रखी हैं। मेरे को गेम की तरफ से 8:25 का ना अराइवल टाइम दिया है, जबकि रियल लाइफ में इसका यहाँ से ये डिपार्चर टाइम होता है। बट गाइस अगर 5 मिनट की देरी से हमारी वंदे भारत एक्सप्रेस सूरत रेलवे स्टेशन में आई है तो इसको 5 मिनट के लिए ही रोका जाएगा यहाँ पर। जैसे कि आप सभी जानते हो यार वंदे भारत है, रेलवेज अपनी वंदे भारत का काफ़ी ज़्यादा ख्याल रख रहा है। जिस भी सेक्शन पर चल जाती है आप समझ लेना कि उस सेक्शन की जितनी भी ट्रेन हैं उसको लूप लाइन में जाना ही पड़ेगा। तो गाइस यहाँ पर यार हमें सिग्नल दे दिया जाता है वंदे भारत एक्सप्रेस को, हालांकि 2 मिनट का अभी भी मेरा हॉल्ट यहाँ पर है, मैं 2 मिनट के लिए यहीं पर खड़ा रहूंगा अपनी ट्रेन के साथ। सामने से आप देख सकते हो प्लेटफॉर्म नंबर 1 से कोई मालगाड़ी स्किप कर रही है, जिसमें साबरमती शर्ट का WDG4 यहाँ पर हमें देखने के लिए मिल जाता है। BCNA फ्रेट ट्रेन है, हमारे हमजा भाई का जो रिसेंटली लॉन्च्ड WDG4 उन्होंने रोल आउट किए, काफ़ी हाई क्वालिटी वाले जो EMDs अभी उन्होंने बनाए वो हमें यहाँ पर देखने मिल जाता है। और भाई इतनी प्यारी अपनी मालगाड़ी की साउंड यहाँ पर सुनने के लिए मिल जाती है। तो बताना जरूरी है स्टार्टिंग में सभी को कैसा लग रहा है ये एक्शन। और गाइस यहाँ से ना डिपार्चर के लिए मेरे पास सिर्फ 1 मिनट बचा है, तो मैं अपनी वंदे भारत का यहाँ पर हॉर्न जो है बजा देता हूँ कि भाई पैसेंजर वासियों जल्दी से बैठ जाओ, वंदे भारत की अगर तुम्हारी टिकट है तो तुम्हारी वंदे भारत 1 मिनट के अंदर निकल जाएगी। क्या बढ़िया यार यहाँ पर हमें मालगाड़ी की देख रहे हो स्किप देखने के लिए मिला है सूरत पे। तो चलो गाइस अपने डोर्स को बंद करने के लिए हम यहाँ पर रेडी रहते हैं।
और देखा जाए तो 20804 को यहाँ से निकलने का जो है स्टार्टर दे दिया गया। हालांकि स्टार्टर हमारे पास भी है, हम यहाँ से गए डिपार्चर के लिए रेडी हैं। तो मैं अपने डोर्स को 15 सेकंड पे बंद कर दूंगा और फिर अपनी वंदे भारत एक्सप्रेस के साथ आगे का जो सफर है वो एंजॉय हम करने वाले हैं। तो गाइस जैसा कि आपने देखा हमारी जो वंदे भारत एक्सप्रेस है उसके जो ऑटोमेटिक डोर्स हैं जैसे ही मैंने बंद किए उसमें आपको साउंड भी सुनने के लिए मिल जाती है कि दरवाजे आपके बंद हो रहे हैं। और भाई सूरत रेलवे स्टेशन की तरफ से हमें यहाँ पे सीटी बजवा दी जाती है कि वंदे भारत के लोको पायलट यहाँ से आप डिपार्चर अपना कर दो। ये वाला हॉर्न आप सुन सकते हो, काफ़ी लाउड हॉर्न हमें यहाँ पे सुनने के लिए मिल जाता है। मेरे ब्रेक्स को मैं यहाँ पे रिलीज़ कर देता हूँ, थ्रॉटल पावर मैंने ऑलरेडी अप्लाई कर दी थी, वो मेरी गलती थी। बट एनीवेज कोई बात नहीं, हमारी वंदे भारत एक्सप्रेस में कोई भी खराबी यहाँ पे देखने के लिए हमें नहीं मिलेगी। भाई रिसेंटली लॉन्च्ड गाड़ी है और देख सकते हो हमारा गाइस जो नेक्स्ट हॉल्ट दिया गया ना गाड़ी को, सूरत से वापी का हॉल्ट है, 100 किलोमीटर का पूरा रन है, एग्जैक्ट 100 किलोमीटर यहाँ से हमें वो पढ़ने वाला है। और देखा जाए तो 8:30 पे हमारा डिपार्चर हुआ है सूरत रेलवे स्टेशन से और ये हमारा कैब व्यू क्या शानदार लग रहा है यार। और गाइस आज ना मैं लोको पायलट बनके नहीं चलाऊंगा ट्रेन को, मैं गाइस एक ऑफिसर बनके इस ट्रेन को ऑपरेट करने वाला हूँ। हालांकि जो ट्रेन है मेरे ही कंट्रोल में रहेगी बट एक पॉइंट ऑफ व्यू मैं आपको यहाँ पर देने वाला हूँ। और देखा जाए तो भाई मेन लाइन का डिपार्चर है, सूरत रेलवे स्टेशन है, यहाँ से वंदे भारत काफ़ी प्यारी स्पीड में डिपार्ट करती होगी। हॉर्न आप सुन सकते हो, कैब व्यू से कितना शानदार हमें यहाँ पे सुनाई दे जाता है। अपने चलते हैं पैसेंजर व्यू पे। और यार यहाँ पर ना स्टार्टिंग में देखो अपनी वंदे भारत की थोड़ी सी यहाँ पे हमें बेइज्जती फेस करनी पड़ जाती है। स्टार्टिंग में ही एक ट्रेन यार हमें ओवरटेक करके चली गई है सूरत रेलवे स्टेशन से, बट नो वरीज यहाँ पर अभी मैं अपनी पावर को इंक्रीज़ कर दूंगा। बट यार यहाँ पे ना 29 का कॉशन है तो मुझे थोड़ी सी यहाँ पे पावर को वापस से डाउन कर देना पड़ेगा। 29 की लिमिट लग रखी है तो भाई उसे एक्सीड नहीं करेंगे। 27 हमारी ट्रेन ने यहाँ पर अचीव कर ली अपनी स्पीड। 3% की थ्रॉटल पावर लगाता हूँ, अभी भी डाउन हो रही है, चलो 5% की काफ़ी है। हमारे गार्ड साहब जो हैं जो कि पीछे वाले कैब में बैठे होंगे, अगर आपको पता हो वंदे भारत एक्सप्रेस में पीछे जो है ये SLR वगैरह का सिस्टम नहीं होता है, दोनों साइड कैब होते हैं। जब ट्रेन अपनी फॉरवर्ड डायरेक्शन में होती है तो भाई आगे तो ऑब्वियसली जो ट्रेन को ऑपरेट कर रहा है क्रू वही रहेगा और पीछे वाले कैब में भाई ट्रेन मैनेजर होगा। तो चलो भाई यहाँ से अब मैं अपनी पावर को अच्छे से इंक्रीज़ कर लेता हूँ। डेफिनेटली मुझे यहाँ पर 50 km/h की स्पीड देखने के लिए मिल जाएगी। जी हाँ, जैसे कि आप देख सकते हैं। तो चल भाई वंदे भारत अपनी जल्दी से स्पीड बढ़ा, आगे जा चुकी है वो गेम से विशाखापट्टनम जाने वाली गाड़ी, तुझे ओवरटेक करके गई है। और गाइस डेफिनेटली वो विशाखापट्टनम जाने वाली है ना, तो ये जो ट्रेन है ये उधना से लेफ्ट हैंड साइड पे एक ट्रैक जाता है, एक नहीं मतलब काफ़ी सारे जाते हैं, बट उस सेक्शन पे चली जाएगी उधना से जलगांव वाली लाइन पर। और हम तो भाई उधना से टुवर्ड्स मुंबई सेंट्रल जाने वाले हैं। चलते हैं अपने कैब व्यू में, आप सुन सकते हो भाई काफ़ी मज़ा आने वाला आज की वीडियो में। सोचो ये गाड़ी जब 130 फ्लैट करेगी, अभी जैसे ही उतना स्टेशन को मैं क्रॉस कर दूंगा डेफिनेटली हमारी 130 की लिमिट हमें मिल जाएगी। और यहाँ पर हमने किसी मालगाड़ी को ओवरटेक कर दिया, सूरत के आउटर में इसको पार्क करवा रखा है। ये कोई गाइस बॉक्सन HL फ्रेट ट्रेन है। ट्रैक साउंड गाइस आप सुन सकते हो, बहुत ही प्यारी यहाँ पर हमारी वंदे भारत एक्सप्रेस करते हुए। ये मालगाड़ी को लगा हुआ है कोई वैगनाइन, 32005 शायद इसका रोड नंबर था लोको का। तो गाइस जैसा कि आप सभी को पता होगा हमारा रिसेंटली जो खानदेश रूट है उसका अपडेट आया था वेस्टर्न रेलवे का, तो भाई आज का मेरा पूरा सीन उसी का होने वाला है। पीछे आप देख सकते हो सूरत शहर को हम क्रॉस करके आ चुके हैं। तो अगर आप सूरत से बिलोंग करते हो तो आप मेरे को वीडियो के कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि आपका शहर बिल्कुल वैसे ही दिखाए। हालांकि आगे भी काफ़ी सारे शहर आएंगे, रेलवे स्टेशन आएंगे, आप मुझे सभी के बारे में बता सकते हो। जैसे आप देख सकते हो राइट हैंड साइड में कितनी शानदार यहाँ पे यार बिल्डिंग देखने के लिए मिल जाती है। तो क्या रियल में भी ऐसी ही बिल्डिंग है? ऊपर किसी हाईवे को शायद मैं क्रॉस कर जाता हूँ। 130 की भाई यहाँ पे लिमिट मिल चुकी है और ट्रेन ना मेरी बहुत भाई स्लो चल रही है। 130 की गाइस यहाँ पर मुझे स्पीड लिमिट दे दी जाती है। तो वंदे भारत जिस चीज़ के लिए भाई तुम जानी जाती हो, अब तुम वही एक्शन अपना दिखा सकती हो। भाई देख सकते हो थ्रॉटल पावर मैंने जो लगाई है और जो अब मैं स्पीड कैच कर रहा हूँ। सामने से गाइस ट्रेन आ रही है 12929 BL मतलब वलसाड से वडोदरा के लिए चलने वाली इंटरसिटी सुपरफास्ट है क्या? जी हाँ, ओ भाई इंटरसिटी को गाइस देख सकते हो क्या ही यहाँ पे मैंने क्रॉस कर दिया। आगे मेरा उतना रेलवे स्टेशन आ रहा है तो गाइस मैं ट्राई करता हूँ जो मेरी स्पीड है वो मैं 100 एक्सीड ना करूँ। पीछे आप देख सकते हो मालगाड़ी खड़ी हुई है यार्ड में,
और इधर देखा जाए तो कोई पैसेंजर ट्रेन खड़ी है, इधर बरौनी अहमदाबाद खड़ी है, उसके पीछे खड़ी हो जाती है आसनसोल से अहमदाबाद के लिए वीकली एक्सप्रेस। भाई ट्रैफिक आज भी बरकरार है, वीडियो में देख सकते हो भाई उतना को मेन लाइन से स्किप कर डाला है। हालांकि जब मेरी ट्रेन एंट्री कर गई थी प्लेटफॉर्म में तब मैंने थोड़ा लेट हॉन्क किया यहाँ पे। यार आज ना मेरा 130 का एक्शन है, वंदे भारत चला रहा हूँ तो थोड़ा सा नर्वसनेस हो ही जाती है। चलो उधना जंक्शन को गाइस हम पीछे कर चुके हैं, इधर आप देख सकते हो गिम्ब जो कि गांधीधाम से विशाखापट्टनम के लिए जाने वाली सुपरफास्ट थी उसको भी हम पीछे छोड़ के आ चुके हैं। तो देखो ये यहाँ से ना गाइस लेफ्ट हैंड साइड वाली ये जो ट्रैक जा रही है जो टुवर्ड्स जलगांव है ये इस रूट पर चली जाएगी और हम भाई सीधे चले जाते हैं मुंबई की तरफ। उधना को पीछे छोड़ चुके हैं, 130 का यहाँ पर लिमिट लगी हुई है। वंदे भारत किसी चीज़ का तुम्हें इंतज़ार करने की नीड नहीं है, तुम चलो 130 की लिमिट है, भागो अच्छे से। और ट्रैक साउंड तुम लोग सुन सकते हो यार, खटाखट जो गन फायर होती है ना वो तुम्हें प्रॉपर सुनाई देगी। और अगर आप वंदे भारत एक्सप्रेस में ट्रैवल कर रहे हो तो आप टेंशन मत लो, हमारे रोहन भाई ने आपकी सर्विसेज का पूरा ध्यान रखा है। देखा जाए तो यहाँ पर रेल नींद की बोतल रखी हुई है और जैसे कि रियल में खाना सर्व किया जाता है आपको गेम में भी सर्व किया गया है। यहाँ पर ब्रेड रखा हुआ है और यहाँ पर केचप भी है, दही भी है। यार चाय के साथ दही का पैकेट क्यों रखा है ये मुझे थोड़ा सिस्टम समझ नहीं आया, ये क्या सीन है यहाँ पे। बट कोई बात नहीं यार, अब खाने का मिला है तो खा लो चुपचाप, क्योंकि खाने का कभी भी अपमान नहीं करना चाहिए, वो ठीक बात है। ये यहाँ पर मेरी ट्रेन मुंबई राजधानी क्यों बनी हुई है, 130 की लिमिट मिली हुई है बट मेरी ट्रेन भाई 140 हिट कर रही है। लोको पायलट भाई अपनी थोड़ा लिमिट में है। और गाइस इधर देखो यार, किसी मालगाड़ी के साथ हमारा यहाँ पर हो जाता है पैरेलल रेस, क्योंकि जैसा कि आप सभी को पता होगा जो हमारा रेलवेज है वो आजकल फ्रेट कॉरिडोर्स के ऊपर काफ़ी वर्क कर रहा है। और अगर आपको नहीं पता तो मैं बता देता हूँ, ये जो कॉरिडोर है ना सूरत से आई थिंक वसई रोड तक का, इसमें भी एक फ्रेट कॉरिडोर हमारी रेलवे की तरफ से बनाया गया था। तो गाइस हमारे जो महाजन जी हैं वो उस चीज़ को रूट के अंदर भी लेकर आ गए थे इस अपडेट में। तो भाई देखो इधर बाजू में सारी मालगाड़ियाँ चलेंगी और इधर हमारी वंदे भारत 130 पे। सोचो भाई इधर मालगाड़ी 100 पे, वंदे भारत 130 पे, क्या ही धमाकेदार एक्शन होने वाला है आज। तो भाई ये रेलवे स्टेशन है भीस्तन, यहाँ पर लूप लाइन पे कोई मालगाड़ी को लगवा रखा है अभी भी। हालांकि उधर फ्रेट कॉरिडोर है बट स्टिल जो गाइस ये मेन लाइन है ना इस पर भी थोड़ी बहुत मालगाड़ियाँ चलाई जाती हैं, ऐसा नहीं है कि सारा लोड उधर फ्रेट कॉरिडोर पे डाल दिया हो। और हम किसी ट्रेन को ओवरटेक कर रहे हैं 12479 JU मतलब जोधपुर से BDTS बांद्रा के लिए चलने वाली सूर्य नगरी सुपरफास्ट एक्सप्रेस को। तो शायद इसको कोई वैगनाइन लगा हुआ था। और भाई उधर वैगनाइन की तुमने आवाज़ सुनी कितनी प्यारी हो रही थी यार, क्योंकि गाइस फ्रेट कॉरिडोर है ना सारी गाड़ियाँ तबाही मचा रही होती हैं। आज मुझे लग रहा है मेरा जो कैमरा एंगल है ना मुझे यहीं पर रखना चाहिए, हालांकि कैफियों में जाके भी मज़ा आएगा। जैसा कि आप सुन सकते हो क्या शानदार हॉर्न है यार और जो ट्रैक साउंड हो रही है बाहर। थ्रॉटल पावर को मैं एक काम करता हूँ 37% अप्लाई करके छोड़ देता हूँ। सामने से कोई मालगाड़ी आ जाती है फ्रेट कॉरिडोर की लाइन पे। आज का गाइस एक्शन ना कुछ धमाकेदार है यार। अभी गाइस फ्रेट कॉरिडोर से कोई मालगाड़ी गई है, अब सोचो मेन लाइन पे भी कोई ट्रेन आ रही होगी सामने से, उसकी भी क्या ही क्रॉसिंग रहेगी। तो आज जिस भी ऑफिसर को इंस्पेक्शन पे रखा गया है ना उसके भी भाई मजे आ जाएंगे। 20959 वलसाड से ये VDG कहाँ का कोर्ट था यार, वडगांव था क्या यार, मुझे ध्यान में नहीं रहा। तो गाइस ये कोई ट्रेन थी जिसने हमें क्रॉस कर दिया, आप मुझे बता सकते हो VDG कहाँ का कोड है। मेरे माइंड में तो यार वडगांव आ रहा है, मुझे एग्जैक्टली ध्यान में नहीं है। थोड़ी सी यहाँ पे थ्रॉटल पावर को हम इंक्रीज कर देते हैं। भाई इधर पैरेलल रेसेस हैं, पैरेलल ओवरटेक्स हैं, सामने से 130 किलोमीटर पर आवर वाली क्रॉसिंग्स हैं। भाई आज की वीडियो भी ना डेफिनेटली तुम सभी इंजॉय करने वाले हो। और सामने गाइस कोई रेलवे स्टेशन आ रहा है जिसको हम डिसमिस करने वाले हैं, सचिन रेलवे स्टेशन ये हो जाता है। I mean, इसका जो नाम है वो सचिन रेलवे स्टेशन है। सचिन कितना कॉमन सा नेम है ना यार। सोचो जितने भी लोग होंगे जिनका नाम सचिन होगा और वो यहां से बिलोंग करते होंगे। और इसी बीच हम किसी मालगाड़ी को यहाँ पर ओवरटेक कर देते हैं। भाई मालगाड़ी साइड हो जाओ, वंदे भारत में चल रहे हैं हम यहाँ पे, और तो मैं तो लगा भी डीजल है। तो भाई बताओ यार अभी तक का 10-15 मिनट का जितना भी मिनट्स का गेम प्ले हुआ है कैसा लग रहा है सभी को।
जितने ब्रिजेज आएंगे, जितने स्टेशन आएंगे, सबको 130 पर डिसमिस करूंगा। सिर्फ एक रेलवे स्टेशन है जो कि वलसाड़ रेलवे स्टेशन है, वहां पर शायद हमारी स्पीड थोड़ी कम करवाई जा सकती है, क्योंकि गाइस वो जो रेलवे स्टेशन है थोड़ा बड़ा है, तो भाई वहां पर हमें अपनी स्पीड को कम करना पड़ेगा। और आज की जो क्रॉसिंग्स है ना, उसमें एक वंदे भारत भी होने वाली है। अगर आपको नहीं पता हो तो मैं बता देता हूँ। और यार पहले थोड़ा सा ना यहाँ पे वाइड करता हूँ अपना कैमरा एंगल, बाहर वाले को मैं 75 देता हूँ। जी हाँ, अभी गेम प्ले एकदम शानदार लग रहा है ना। ये देखो यार, ब्रिज को क्रॉस करते हुए 127 की रफ्तार पे, ब्रिज साउंड सुन सकते हो, ओहो हो, धमाकेदार। सामने से मेरे ख्याल से कोई मालगाड़ी आ रही है। कोई गाइस बैग नहीं है जिसपे हाई राइज पेंटो, आप देख सकते हो ये जो फ्रेट कॉरिडोर है, इसमें जो गाइस OHE है ना, वो नॉर्मल वाली नहीं है। जैसे हमारी ये नॉर्मल OHE है वायर, इसमें हमारे जो पेंटोग्राफ है वंदे भारत का, वो हाई राइज नहीं हो रखा है। हालांकि मुझे अभी ध्यान में नहीं है। जी हाँ, शायद वंदे भारत में भी हाई राइज लगाया जाता है, क्योंकि कुछ टाइम पहले राजस्थान में भी कोई वंदे भारत चली थी, उसमें हाई राइज था। तो अगर आप पीछे देखो तो फ्रेट कॉरिडोर में भी भाई हमें हाई राइज जो है OHE देखने के लिए मिल जाती है। तो जितने भी आप वैगनाइन देखोगे ना या इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव देखोगे, उनका भाई जो पेंटो होगा वो नॉर्मल हाइट से ऊपर रहेगा। और अपने हमजा भाई ने तो वैगनाइन रिलीज भी कर दिया है हाई राइज वाले। तो चलो यार, अंदर से काफ़ी ट्रैवल कर लिया, अब जरा बाहर भी आ जाएं। तो गाइस सामने आ जाता है रेलवे स्टेशन मरोली। मरोली रेलवे स्टेशन को भाई 125 की रफ्तार पे यहाँ पर डिसमिस करते हुए, देखते हैं यार किसी ट्रेन को अगर मैं ओवरटेक कर रहा हूँ तो। भाई सारे रेलवे स्टेशन डिसमिस हैं आज। अच्छा ये देखो, कोई ट्रेन यहाँ पे लगवा रखी है लूप लाइन में, और ये ट्रेन है 22956 भुज से बांद्रा टर्मिनस के लिए चलने वाली कच्छ सुपरफास्ट एक्सप्रेस। भाई आज कोई गाड़ी नहीं बख्शी जाएगी, देख सकते हो भाई रैम्पेज मोड पे है अपनी गाड़ी। और सीनरी वर्क आप देख सकते हो अपने रमेश महाजन जी का, जो कि वेस्टर्न रेलवे के अपडेट में किया गया है। अभी तो गाइस ये फेज़ 1 है, इसका फेज़ 2 भी जल्दी आने वाला है, उसमें भी जो है सीनरी अपडेट कवर किया जाएगा। जैसे थोड़ी थोड़ी जो दिक्कतें हो जाती हैं ना रूट में जो आ जाती हैं। अच्छा वो छोड़ो, सामने से गाड़ी आ रही है 19019 बांद्रा से हरिद्वार के लिए चलने वाली देहरादून एक्सप्रेस। भाई किसी वैफोर के साथ देहरादून एक्सप्रेस ने हमें क्रॉस कर दिया, आई थिंक बटवा शेड का वैफोर था। ट्रेन की यहाँ पे थोड़ी सी थ्रॉटल पावर को डाउन कर देता हूँ, चलो नहीं करते हैं अब। पीछे यार एक्चुअली ग्रेडियंट था ना, हमारी ट्रेन ढलान पे जा रही थी, मुझे लगा अगर मेरी ज़्यादा थ्रॉटल पावर रहेगी तो यार ये ना स्पीड बढ़ा देगी 130 के ऊपर। स्टार्टिंग में यार पता ही नहीं चला मेरा ध्यान कहाँ पे था, और मेरी ट्रेन ना 130 के ऊपर जाने लगी थी। अब यहाँ पे मैं 140 150 करूंगा तुम सभी के तो मज़े आएंगे। हालांकि पता है मेरे माइंड में था जब मैं ये वीडियो बनाऊंगा तो एक काम करता हूँ 180 के ट्रायल रन कर देता हूँ, बट मैंने सोचा नहीं यार अभी ये जो जिस स्पीड पे चलती है गाड़ी उसी स्पीड पे ऑपरेट करते हैं, 130 पे चल रही है उस पे भी कोई बुरी नहीं लग रही है। अपने यार पैसेंजर व्यू को भी थोड़ा सा यहाँ पे वाइड कर लेते हैं, और देखा जाए तो भाई फ्रेट कॉरिडोर पे भी देख सकते हो कोई मालगाड़ी हमें क्रॉस करके जा रही है। डबल कॉनकोर यहाँ पे देखने हमें मिल जाती है, जो कंटेनर फ्रेट ट्रेन होती है ना फ्रेट कॉरिडोर में, इनका जो संचालन है वो बहुत ही ज़्यादा किया जा रहा है। भाई आज जिसमें भी दम है ना इस वंदे भारत एक्सप्रेस के सामने आके दिखा दो, 25 से 35 और 35 से 45 20 मिनट के टाइम फ्रेम में, भाई 20 मिनट के अंदर मैं अपनी गाड़ी क्या ही डिस्टेंस कवर कर चुकी है, 30 किलोमीटर खत्म, कहां गए पता नहीं चला। और वो भी 20 मिनट तो छोड़ो, 3-5 मिनट तो मुझे सूरत से निकलने में ही लग गए थे, तो ये डेफिनेटली 15 मिनट के अंदर भाई क्या ही रफ्तार कैच करी है, क्या ही डिस्टेंस गायब किया है। नो डाउट यार ये जो वंदे भारत एक्सप्रेस गाइस चलवाई जा रही है ना, बहुत ही बढ़िया चीज़ लाया रेलवे। अगर किसी को एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पर जाना है ना और राइट टाइम पहुंचना है, तो भाई वंदे भारत एक्सप्रेस में आँख बंद करके टिकट कर लो। आप लेट पहुंचोगे इसकी गारंटी तो मैं नहीं दे सकता, बिफोर टाइम पहुंचोगे इसकी ज़रूर दे सकता हूं। यहां पर यार थोड़े से मेरे को लैग स्पाइक्स देखने के लिए मिल जाते हैं, और वो भी क्यों नहीं मिलेंगे यार, रूट देखो कितना भारी हो रखा है, सीनरी देखो, बाजू में अपने फ्रेट कॉरिडोर चल रखा है, कितनी मालगाड़ियाँ अभी हम पैरेलल ओवरटेक करने वाले हैं। ये यार यहाँ पे ना जो सिग्नल आप देख सकते हो येलो हो रखा है, हालांकि मैं इस येलो की वजह से अपनी ट्रेन की स्पीड को स्लो नहीं करूँगा, मुझे पता है मेरे जो सारे सिग्नल्स हैं पूरे ग्रीन हो रखे हैं, मतलब आगे वाले ट्रैक मॉनिटर हमने खोल के रखा ही है। तो गाइस ये स्टेशन आ जाता है नवसरी रेलवे स्टेशन,
जिसको भाई डिसमिस करने वाली है गाड़ी अपनी 123 की रफ्तार पे। कोई मालगाड़ी यहाँ पे खड़ी हुई है लूप लाइन पे, जिसको हम क्रॉस कर रहे हैं, किसी ट्रेन को हम ओवरटेक कर रहे हैं। 12934 अहमदाबाद से मुंबई सेंट्रल के लिए चलने वाली कर्णावती सुपरफास्ट एक्सप्रेस। गाइस ये ट्रेन्स ना एक टाइम पर इस रूट की भाई क्या कहूँ क्या हुआ करती थी, मतलब कुछ जलवे थे। और आज देखो, अरे यार ये फाटक बंद नहीं हुआ और देखो सब इधर उधर भाग रहे हैं। ये मालगाड़ी को देख रहे हो, मालगाड़ी तू जितनी भी अपनी पावर लगा ले तू इसको ओवरटेक नहीं दे सकती है। मेरी रफ्तार देख और तू अपनी रफ्तार देख। हालांकि भाई मालगाड़ी भी देखो, फ्रेट कॉरिडोर जो बना है भाई, सामने से एक्शन लो। भाई मैं किधर जाऊं, सामने से गाड़ी आ रही है 22193 डॉन से ग्वालियर के लिए चलने वाली वीकली सुपरफास्ट एक्सप्रेस। आज तो यार गेम प्ले कुछ मचा रखा है। 100 की रफ्तार पे मालगाड़ी उधर भाग रही है, इधर से 130 की क्रॉसिंग लग रही है, सामने से 100 की रफ्तार पे मालगाड़ियां क्रॉस कर रही हैं। और ये देखो इसमें कोई डीजल लोको लगा हुआ है यार। मतलब चगिंग साउंड सुन रहे हो इसकी, गजब यार। तो गाइस ये कोई छोटा सा रेलवे स्टेशन है, ये डेफिनेटली कोई हॉल्ट होगा। गांधी स्मृति इसका नाम है। इसको डिसमिस कर चुकी है गाड़ी 128 की रफ्तार पे। चलो थोड़ा सा केबिन में जाके देखते हैं क्या सीन हो रखा है। ये जो यहाँ पे लाइट्स डांसिंग कर रही हैं इनको थोड़ा इग्नोर करना, इनके बारे में मैंने आपको लास्ट वीडियो में बता दिया था। ये अपने ओपन रेल्स का थोड़ा सा ग्लिच हो जाता है यहाँ पे। थ्रॉटल पावर को यहाँ पे 38% पर मैं लगा देता हूँ, इतनी आई थिंक सफिशिएंट रहेगी। क्या एक काम करता हूँ 39 लगा के देखता हूँ। हाँ यार 39 काफ़ी है। आज का एक्शन तो गाइस अभी अपना 130 का हो रहा है, आने वाले टाइम में रेलवे इस सेक्शन को ना 160 करने वाला है भाई। जो वेस्टर्न रेलवे ये कॉरिडोर है अहमदाबाद से मुंबई सेंट्रल तक का, इसमें शायद रेलवे ने या तो फेंसिंग कर दी है या कर रहा है, अभी वर्क इन प्रोग्रेस है या फिर हो चुका है, मुझे इसकी तो डिटेल नहीं है खैर अभी मेरे पास। बट भाई उसके होते ही ना इस कॉरिडोर को भी 160 में वो कन्वर्ट करने वाला है। तो सामने से कोई मालगाड़ी आ जाती है, कोई वैग नहीं है इस बॉक्सन एचएल फ्रेट ट्रेन के साथ, देख सकते हो भाई। फ्रेट कॉरिडोर जब से बना है ना, रेलवेज को बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर हेल्प मिली है इस चीज़ से। आप सोचो जितनी भी ये मालगाड़ियाँ फ्रेट कॉरिडोर पर चल रही हैं, ये एक टाइम पर मेन लाइन पर चला करती थी, जिसकी वजह से ट्रैफिक कितना ज़्यादा हो जाता था कंट्रोलर्स के ऊपर, स्टाफ भी परेशान हो जाता था कौन सी मालगाड़ी को कहाँ पे लूप दिया जाए, इसलिए इतने घंटे लगते थे मालगाड़ियों को अपनी डेस्टिनेशन पर पहुँचने के लिए। बट आज की जो भाई मालगाड़ी है उसकी जो मूवमेंट हो रही है वो बहुत ही प्यारी कर रखी है रेलवेज ने। पता है अब आप लिटरली कह सकते हो हमारे रेलवेज में क्या क्या विकास हुआ है, क्योंकि अब लिस्ट इतनी लंबी है कि आप बताते बताते थक जाओगे। कितने सारे जो छोटे मोटे रेलवे स्टेशन थे उनका यार रेनोवेशन किया जा रहा है। और हमारी वीडियो पर वापस आएँ तो देख सकते हो वापी रेलवे स्टेशन 60 किलोमीटर यहाँ पे बचा हुआ है, सामने ही कोई रेलवे स्टेशन आ रहा है जिसका नाम है वेदचा। तो गाइस किसी वेदचा रेलवे स्टेशन को हम यहाँ पर क्रॉस कर रहे हैं, स्किप कर रहे हैं और किसी मालगाड़ी को कर दिए हैं ओवरटेक। तो गाइस वसई से भरूच के लिए चलने वाली MEMU ट्रेन को मैं यहाँ पे ओवरटेक कर चुका हूँ। नहीं यार इसको मैंने क्रॉस किया, ये भरूच के लिए जा रही है ना, वसई रोड से तो आ रही है। ये मालगाड़ी को शायद कोई WDG 6G लगा हुआ था, चलो चेक कर लेते हैं कौन सा लोको लगा हुआ था। जी हाँ WDG 6G। भाई 4 किलोमीटर का डिस्टेंस मुझे यहाँ पर ट्रैक मॉनिटर में दिखाया जाता है। वंदे भारत की जो प्रायोरिटी है यार, इसकी क्या ही बात की जाए। और यहाँ पर अगर देखा जाए तो थोड़ी बहुत जो वेजिटेशन है वो हमारी मेन लाइन के ट्रैक पर आते हुए, एक तो सीनरी बहुत ज़्यादा हो रखी है ना यार यहाँ पे। भाई चगिंग साउंड सुन रहे हो, मुझे यहाँ तक आ रही है। सामने गाइस कोई मालगाड़ी आ जाती है। भाई मालगाड़ी और बांद्रा टर्मिनस से गोरखपुर के लिए चलने वाली हमसफर 19091। भाई क्या गेम प्ले है आज का।
गाइस देखना हम सफर क्या डिसमिस करके गई है भाई अंचेली रेलवे स्टेशन, मालगाड़ी को कर रही है ओवरटेक पैरेलली। आज मुझे सबका फीडबैक चाहिए, सबको ये ट्रैफिक कैसा लग रहा है। जोरा 7 इसका नाम है, यहाँ पे लूप लाइन जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ बना रखी है। अगर कोई मालगाड़ी है जिसके पास काफी टाइम है पहुँचने के लिए कहीं पर, तो उसको यहाँ पर लूप करा सकते हैं। यह समय की बात तो दूर रही, अगर उसका पावर फेल हो जाता है तो उसको यहाँ पर लाके खड़ा किया जा सकता है। भाई वंदे भारत क्या करने का इरादा है तेरा? भाई ये पटरियों पर जो आग लग रही है ना, मतलब पूछो मत। कोई अभी बस नीचे जाए और वंदे भारत की ना व्हील को टच करके देख ले। अच्छा सामने आ जाता है कोई रेलवे स्टेशन जिसका नाम है अमलसर। यहाँ पर किसी मालगाड़ी को जो है आप देख सकते हो लूप करा रखा है, इसको हम यहाँ पर क्रॉस कर देते हैं। कोई ट्रैफिक ट्रेन यहाँ पर अभी नहीं आ रही है। भाई आज सब कुछ डिसमिस है, ट्रेन्स डिसमिस है, रेलवे स्टेशन डिसमिस है, मैं भी डिसमिस हूँ, तुम भी डिसमिस हो। जो गेम प्ले इसको देख के सो जाओ यार तुम सभी। भाई लिटरली मत सो जाना, यहाँ पे ट्रेन चल रही है। अभी तुम्हारा अगर टिकट वापी तक का होगा ना तो तुम रह जाओगे ट्रेन के अंदर। तुम्हारे तो मज़े ही हैं, वंदे भारत में राइड मिलेगी फ्री की मुंबई तक। अगर टीटी ने फाइन लगाया वो अलग बात है, फिर मेरे से मत कहना। तो भाई थोड़ा बाहर चल के देखते हैं। भाई सीनरी देखो यार, दूर दूर तक फैली हुई है। रमेश जी क्या करने का इरादा है आपका? अच्छा यहाँ पर देखो ये पावर हाउस बना रखा है, आई थिंक ये रेलवे के अंडर में आता होगा। जो ये OHE वायर्स में पावर जा रही है ना, तो ये शायद यहाँ से जा रही होगी, क्योंकि आप देख सकते हो यार कितना बड़ा सेक्शन है। अच्छा यहाँ पर किसी मालगाड़ी को हम क्रॉस कर रहे हैं, जो कि है किसी WDG4 के साथ, PCNHL फ्रेट ट्रेन हो जाती है ये। थोड़ी सी यहाँ पे यार थ्रॉटल पावर को इंक्रीज़ करके ना स्पीड बढ़ाता हूँ। यार ये मालगाड़ी छोटी थी या मुझे लग रही है? क्या नज़ारा है यार, यहाँ पे ब्रिज देख रहे हो, क्या स्किप किया है यार। अच्छा जो आज के ऑफिसर है ना, जो कि मैं ही हूँ, मैं भी कह रहा हूँ यार 130 की लिमिट है, पर आप 130 कर नहीं रहे हो, 122 पे चल रहे हो, ये गलत बात है ना। थोड़ी सी यहाँ पे थ्रॉटल पावर को इंक्रीज़ करो। वंदे भारत क्यों चला रहे हो? इसीलिए तो चला रहे हो। अच्छा सामने देखो किसी मालगाड़ी को मैं पहले ही फिर से ओवरटेक करने वाला हूँ। ये कौन सी मालगाड़ी है? शायद तीसरी मालगाड़ी है जिसको मैं पहले ही ओवरटेक करने वाला हूँ। जहाँ तक गाइस मुझे पता है ना, जो फ्रेट कॉरिडोर है वो वसई तक या विरार तक फैला हुआ है। और गाइस सामने आ रखा है बिलीमोरा जंक्शन, यहाँ की शायद बिल्लियाँ काफ़ी फेमस होंगी, तो चलो इसको स्किप करते हैं अच्छी रफ्तार में। अरे ये देखो यार, मुंबई से अहमदाबाद के लिए चलने वाली वंदे भारत, और मैं किसी ट्रेन को ओवरटेक कर रहा हूँ जो कि है 12954, जिसका पावर जो है फेल हो चुका है, लेट हो चुकी है। ऑगस्ट क्रांति राजधानी एक्सप्रेस, तेजस राजधानी ये हो चुकी है, और इसकी पावर देखो प्रोवाइड करवा रखी थी। भाई क्या स्किप मिला है यहाँ पर। तुम सभी मजे करो यार, तुम सभी मजे करते हो, अच्छे लगते हो मुझे। वो देखना मालगाड़ी कैसे भाग रही है। ओ भाई इसमें तो वैगनाइन लगा हुआ है, और कर पे यार वंदे भारत आराम से, मैं पीछे ना गिर जाऊँ। ये देखो इस पे भी HR वाला वैगनाइन लगा हुआ है। भाई कर पे क्या लग रही है यार वंदे भारत। एक तो इतना बड़ा कर्व, इतना शानदार कर्व, ऊपर से वंदे भारत एट 128 km/h। लो भाई यहाँ पर आ जाता है ब्रिज, पीछे की सीनरी। यार ये जोरावासन रेलवे स्टेशन यहाँ पर है, DFC में ये रेलवे स्टेशन इतना पीछे था। इसका जो न्यू जोरावासन बनाया था, अच्छा ये देखो कोई मालगाड़ी 4G के साथ, डबल कॉन्कोर फ्रेट ट्रेन है, छोटा मोटा ये हॉल्ट है जिसको हम अच्छी खासी रफ्तार पे MPS ही कंसिडर कर दो यार। तो गाइस यहाँ पर अपनी गाड़ी का जो अगला स्टॉप है वापी, वो बच जाता है 40 किलोमीटर। बहुत भाई बहुत गंदा यहाँ पे एक्शन देखने मिला है। भाई क्या डिस्टेंस कवर कर रही है गाड़ी, कितना 60 किलोमीटर कायब, कितने मिनट में? अराउंड आधे घंटे में। भाई फाटाफाटी हो रखा है यहाँ पे। देखते हैं सामने से कौन सी गाड़ी आएगी अब अपनी फ्रेट कॉरिडोर पे। तो यार काफ़ी मालगाड़ी क्रॉस करके हमें जा चुके हैं। लास्ट टाइम मुझे मेन लाइन पे कौन सी गाड़ी क्रॉस करके गई थी, मुझे ध्यान में नहीं है यार, शायद वो वड़गांव वाली थी क्या? नहीं यार कोई और गाड़ी थी, हाँ ग्वालियर वाली। देखते हैं उसके पीछे किसे लगा रखा है।
एक तो तुम सभी का यार अंदर लंच रखा हुआ है अपने रोहन भाई ने, तुम सभी उसे खा नहीं रहे हो यार, खामा खा वो ठंडा हो जाएगा। और खाने की बर्बादी कभी नहीं करनी चाहिए भाई, लिमिट 130 पे 130, अगर 130 बदल भी रही है ना वो 130 में ही कन्वर्ट हो रही है। अच्छा ये सामने कोई रेलवे स्टेशन आ रहा है जिसका नाम है डुंगरी। सो गाइस डुंगरी रेलवे स्टेशन, यहाँ पर हमारी वंदे भारत स्किप कर रही है भाई फुल टू हांगकांग। 19418 अहमदाबाद से बोरीवली के लिए चलने वाली एक्सप्रेस ट्रेन जिस पे लगा हुआ है कोई वैपोर, भाई सारी गाड़ियाँ डिसमिस है आज, जिसे चाहो उसे लेके आओ, आज ये वंदे भारत किसी से नहीं डरती। उधर देखो 6G किसी BTPN फ्रेट ट्रेन को ले जाते हुए, सामने से शायद कोई गाड़ी आ रही है मेन लाइन पे। 12009 मुंबई सेंट्रल से अहमदाबाद के लिए चलने वाली शताब्दी एक्सप्रेस, आपको सलाम है मेरा, जाइए आप भाई वंदे भारत शताब्दी। अच्छा इसके आगे वंदे भारत चल रही है यार शायद ग्वालियर की ऐसी की तैसी, मैं कैसे भूल गया यार, वंदे भारत के पीछे तो शताब्दी को निकाला जाता है। अच्छा वंदे भारत के आगे शायद ग्वालियर चल रही है, जी हाँ अगस्त क्रांति को जो क्रॉसिंग हुई थी वो वंदे भारत की लगी थी और जो ओवरटेक दिया था वो मुझे दिया था। अपनी लास्ट वीडियो में गरीब रथ के एंड में कैसे मैंने कहा था कि यार जो जिंदगी जीता है वो तो दुरंतों का क्रियू जीता है, आज राजधानी का क्रियू वंदे भारत के क्रियू को देख के कह रहा होगा भाई जिंदगी तो अपने वंदे भारत का क्रियू जी रहा है। भाई आज तो जीना पड़ेगा, हमारी ट्रेन के अंदर ऑफिसर चल रहा है साथ में, तो क्रियू को ना थोड़ा और नर्वसनेस हो जाती है, उसे और प्रॉपरली चलाना पड़ता है गाड़ी को कि भाई जरा से मैं कहीं भी एक गलती हुई और इसने पीछे ही ना अपनी नोटबुक में लिख लेना है। हालांकि वो अपना काम कर रहे हैं तो उन्हें करने देते हैं, हम अपना काम करते हैं, हम अपनी ट्रेन को अच्छे से ऑपरेट करते हैं। ये जो पीछे रेलवे स्टेशन गया डुंगरी, इसके बाद जहाँ तक है हमारा वलसाड़ रेलवे स्टेशन लग जाता है, तो आप देख सकते हो जो ट्रैक मॉनिटर में इसमें कहीं ना कहीं मुझे 100 की लिमिट देखने के लिए मिल जाएगी। भाई ये रेड सिग्नल इतना क्लोज क्यों आ रहा है, अरे सामने से गाड़ी आ रही है। 22953 मुंबई सेंट्रल से अहमदाबाद के लिए चलने वाली गुजरात सुपरफास्ट एक्सप्रेस, अरे सामने 130 की लिमिट है, मुझे लगा 150 लिखा हुआ है। बस यार एक दो साल बाद ना डेफिनेटली जब ये 160 हो जाएगा कॉरिडोर, रमेश जी भी ना इसको 130 करके ही चैन लेंगे यार। अच्छा चलो इसी बीच अपना यहाँ पे काफ़ी फेमस ब्रिज आ जाता है जो कि हमें वलसाड़ के आउटर में देखने मिलता है, और वंदे भारत तुम यहाँ पर थोड़ी सी अपनी स्पीड को डाउन कर लो यार, यहाँ पर गाइस थोड़ा सा मेरा FPS डाउन हो जाता है, 4G किसी BCNA फ्रेट ट्रेन के साथ हमें यहाँ पर क्रॉस कर देता है। अच्छा पीछे यहाँ पे यार्ड में कोई लोको खड़े हुए थे क्या, उसको मैं ध्यान नहीं दे पाया यार। ये आप देख सकते हो गाइस हमारे वलसाड़ रेलवे स्टेशन के बाहर से ही यार्ड शुरू हो जाता है, यहाँ पर आप काफ़ी सारा स्टॉक देख सकते हो जो कि पार्क किया जा रखा है। तो भाई रेलवे स्टेशन थोड़ा बड़ा है, चलो यहाँ पर हमारी स्पीड जो है काफ़ी प्यारी हो चुकी है। इधर देखा जाए तो किसी ट्रेन को हम ओवरटेक कर रहे हैं जो कि है 09092 हिसार से। अच्छा ये यहाँ पर टर्मिनेट हो चुकी है, देखो ये इसके जो रेक है ना पूरी क्लोज कर रखी है, और यहाँ पर कोई MEMU खड़ी है हिसार से वलसाड़ के लिए होली स्पेशल। अच्छा हाँ यार अभी होली भी तो थी, आप सबकी होली कैसी गई, तो देख सकते हो वलसाड़ को काफ़ी प्यारी रफ्तार में भाई यहाँ पर स्किप करके आ जाते हैं, और स्पीड मुझे यहाँ पर, अरे अभी तो यार 130 थी, ये 100 कब हो गई। क्या बात है यार वलसाड़ का भी स्किप गाइस काफ़ी प्यारा हमें यहाँ पर देखने मिल जाता है।
और ट्रैक साउंड सुन रहे हो जो ओरिजिनल वाली है वंदे भारत की, यहाँ पर वो सुनने मिल जाती है। यार पता है दिक्कत क्या है इसकी गाइस, जो ट्रैक साउंड है ना ओरिजिनल वाली वो बहुत ही मुश्किल से मिलेगी यार। जैसे कि सभी को पता है पूरी एसी गाड़ी है और हर जगह से बंद है, ऑटोमेटिक डोर्स हैं, तो अब यार उनको खोल तो सकते नहीं है। तुमने ज़रा सी भी अगर खोलने की यहाँ पे कोशिश करी ना भाई, इस ट्रेन का स्टाफ ना ऐसी जगह पर तुम्हें मारेगा जिसकी मैं बात भी नहीं कर सकता हूँ वीडियो में। भाई आरपीएफ को तो वो तुम्हें बाद में देगा, पहले वो तुम्हारी अच्छे से खातिरदारी करेंगे कि तुमने ये डोर खोल कैसे दिया, वो भी चलती गाड़ी में। अच्छा यहाँ पे बंदगाड़ी की लिमिट लग गई यार, मेरी ट्रेन 100 के नीचे है। किसी ब्रिज को यहाँ पे हम क्रॉस करते हुए, और इसी बीच भाई सामने से कोई मालगाड़ी आ जाती है ग्रेट कॉरिडोर पे। डबल वैग 9, क्या बात है यार, डबल एचआर पेंटो और कॉनकॉर। जैसा मैंने आपको बताया ये जो फ्रेट कॉरिडोर है उसमें ये जो कॉनकॉर वाली ट्रेन्स है ना, जो ये कंटेनर वाली हैं, वो भी डबल जिसमें लगे रहते हैं, उनकी भाई मूवमेंट ना बहुत ही ज़्यादा कराई जा रही है, तो यहाँ पर भी आज की हमारी वीडियो में वो देखने मिल जाती हैं। देखते हैं यार अब कौन सी ट्रेन की क्रॉसिंग लग सकती है और ट्रेन को जल्दी से बंदगाड़ी अचीव करवाते हैं। 120 यहाँ पर हमारी स्पीड हो चुकी है, 22 किलोमीटर यहाँ से वापी अभी भी बचा हुआ है, और टाइम अगर देखा जाए तो 9:30 का टाइम गाइस हमें यहाँ पे दिया गया है वापी पर पहुँचने के लिए। हालांकि जो असली की टाइमिंग है ट्रेन की, अच्छा सामने से ट्रेन आ रही है, 12935 बांद्रा से सूरत के लिए चलने वाली इंटरसिटी सुपरफास्ट एक्सप्रेस। 130 पे क्लैश हुआ है भाई दोनों गाड़ियों का। अरे इधर देखो ये चौथी मालगाड़ी है या पांचवी, वो देखो फ्रेट कॉरिडोर पे किसी रोरो ट्रेन को मैं ओवरटेक कर रहा हूँ। कितने सारे ट्रक जा रहे हैं यार इस पे। पर गाइस सामने रेलवे स्टेशन आ जाता है अतुल रेलवे स्टेशन। पर गाइस थोड़ा सा ना आगे चल के यहाँ पर ना हमारी 120 लिमिट करवा दी जाएगी, तो एक काम करते हैं ट्रेन को हल्का सा यहाँ पर स्लो डाउन कर देते हैं ब्रेक्स को अप्लाई करके। और इधर जैसा कि आप देख सकते हो, अच्छा ये देखो 120 का बोर्ड गया, रोरो फ्रेट ट्रेन को यहाँ पर बहुत ही बढ़िया रफ्तार के साथ हम ओवरटेक करते हुए। चलते हैं अपने कैब व्यू में। अच्छा यार ये आगे जो सिग्नल आ रहा है ना, ये कोई ब्रिज आएगा गाइस, इससे पहले सिग्नल देखो ये लाल हो रखा है, ये वाला सिग्नल खराब है यार। ओ भाई भाई फाड़ रही है भाई वंदे भारत यहाँ पे भाई, असली फाटा फाटी। लो एक और मालगाड़ी की यहाँ पे क्रॉसिंग लग गई। तो गाइस आगे रेलवे स्टेशन भी हम क्रॉस कर रहे हैं जो कि है परदी रेलवे स्टेशन, और ये कोई WDG6G हमें देखने के लिए मिल जाता है इस मालगाड़ी के साथ। भाई वापस से 130 की लिमिट देखने के लिए मिल जाती है। चलो यहाँ पे थ्रॉटल पावर को इंक्रीज कर देते हैं। अच्छा ये देखो यहाँ पे DFC पे एक और लूप लाइन देखने मिल गई। अच्छा गाइस अगर आप देखोगे तो जो सूरत से वलसाड़ का सेक्शन है ना, वहाँ की सीनरी आपको नए वाले वेजिटेशन के साथ देखने मिलती है, बट जो वलसाड से वापी का सेक्शन है यहाँ पर अभी भी थोड़े पुराने वाले ऑब्जेक्ट्स हमें देखने मिल जाते हैं।
हालांकि फ्रेट कॉरिडोर आपको यहाँ भी देखने के लिए मिल जाएगा। जैसे मैंने आपको बताया था, ये जो अपडेट है इसका फेस टू भी आएगा, तो ये सब जो अपडेट होगा ना शायद उसमें किया जाएगा। सामने से कोई गाड़ी आ रही है क्या? लग तो रहा है यार कोई मालगाड़ी आ रही है। जी हाँ, कोई वैगन आई ना अपने अचार पेंटो के साथ। अच्छा ये देखो, ये जो वैगन है ना, इसमें कार्ड्स को इधर उधर किया जाता है, तो इसके अंदर गाड़ियाँ जा रही हैं। रेलवे स्टेशन है गाइस ये उदावाड़ा रेलवे स्टेशन। काफी बढ़िया रफ्तार के साथ इसे हम स्किप कर चुके हैं। भाई रैम्पेज मोड, लिटरल रैम्पेज मोड। अच्छा ये देखो, उदावाड़ा के आउटर में WDG 4D खड़ा हुआ है। ये कोई मालगाड़ी है जिस पर ट्रैक्टर्स को मूव किया जा रहा है। पीछे गाड़ियों वाली ट्रेन गई, उसके पीछे ट्रक वाली चल रही है, यहाँ पर ट्रैक्टर वाली देखने मिल जाती है। और कुछ बचा है क्या? पता आगे बाइक वाली भी देखने मिल जाए। देखते हैं यार कौन सा ट्रैफिक लग सकता है अब। लास्ट टाइम वैसे ट्रेन कौन सी गई थी, ध्यान नहीं यार मेरे को। अच्छा वो देखो, उधर हाईवे चल रहा है। अरे सामने से कोई ट्रेन आ रही है। ओ भाई ट्राई कलर वैप से बनता वैगन ही था। अच्छा LHB हाई कैपेसिटी पार्सल वैन है। वंदे भारत गाइस हमारी बगवाड़ा रेलवे स्टेशन को यहाँ पर क्रॉस करने वाली है अराउंड 125 की स्पीड पर। यहाँ पर हल्की सी थ्रॉटल पावर को इंक्रीज कर देता हूँ और अचीव करता हूँ यार 125। यार ये शायद कोई फैक्ट्री है और उसका ना ये गंदगी निकल रही है इस पानी में। हालांकि पानी देखो कितना साफ है। एक ना किसी वीडियो में एक फैक्ट्री थी, उसके आसपास कोई तालाब था, इतना साफ पानी था, मुझे लगा यार कोई तालाब होगा अच्छा खासा। फिर एक भाई बताते हैं कि दिवान भाई वो जो तालाब था ना उसमें फैक्ट्रीज का गंदा पानी जाता है रियल लाइफ में, बट गेम देखो कितना अपना साफ सुथरा रहता है। और सामने भाई अपना जो ट्रैक स्विच है उसके साइंस हमें देखने मिल जाते हैं। ओहो चगिंग भाई, दिल चीर के देख, सिर्फ L को ही होगा। ये मालगाड़ी देख रहे हो भाई, पूरी जान लगा के खींच रहे हैं दोनों के दोनों। L को जिस चीज़ के लिए जाने जाते हैं, उनकी छगिंग के लिए, उनकी साउंड्स के लिए, उनके इंजन के लिए। तो यहाँ पर हल्की फुल्की अब सीनरी बढ़ती जाती हुई, वापी अपना 3.7 किलोमीटर गाइस बाकी है। यहाँ पे स्पीड अब डाउन करते हैं और ब्रेक्स को अप्लाई करना शुरू करते हैं, क्योंकि सामने भाई देख सकते हो डबल एस्पेक्ट आ रखा है। ये जो हमारे साथ ऑफिसर चल रहा है ना, जो कि मैं ही हूँ, वो फिर अपनी नोटबुक में लिख लेगा कि हाँ यहाँ डबल एस्पेक्ट क्रॉस किया गया, रफ्तार को कम नहीं किया गया, इतनी पास हमारा वापी रेलवे स्टेशन आ रहा था। बट स्टिल जो लोको पायलट था, जो क्रू था ट्रेन का, वो अपने ही मज़े में था। तुम सभी बताना ज़रूर यार आज की वीडियो सभी को कैसी लगी, स्पेशली एक्शन सभी को कैसा लगा। और अपने जो रमेश महाजन जी हैं जो ये वेस्टर्न रेलवे का फ्रेट कॉरिडोर लेकर आए हैं, ये जो सूरत से वलसाड़ का अपडेट आया है, ये सभी को देखकर कैसा लगा? और यार अपनी जो वंदे भारत है वो तो सभी को मज़े देती है। ये भाई हमारा दूसरा डबल एस्पेक्ट यहाँ पर हमने क्रॉस किया। इसके बाद जो आएगा वो हमारा होम सिग्नल होगा वापी रेलवे स्टेशन का। तो गाइस बताओ यार तुम सभी को ये वीडियो कैसी लगी। फाइनली जो अपनी वंदे भारत एक्सप्रेस है जो कि मुंबई से, सॉरी जो कि अहमदाबाद से मुंबई के लिए चलाई जाती है, वो फाइनली वापी रेलवे स्टेशन पर आ चुकी है। आज का गेम प्ले मैं इतना ही रखने वाला हूँ। आई होप यार तुम सभी ने इन्जॉय किया हो। होम सिग्नल यहाँ पर हम अपना क्रॉस कर चुके हैं वापी रेलवे स्टेशन का। स्पीड को यहाँ पर थोड़ा सा और डाउन करते हैं क्योंकि हमारा जो ट्रैक है वो चेंज हो चुका है। और ये देख सकते हो कोई मालगाड़ी हमें क्रॉस कर रही है।
और गाइस अभी ना एक चीज नोटिस करोगे, ये वापी रेलवे स्टेशन देखो, इसकी जो मेन लाइंस हैं इस पर ना ओवरहेड वायर नहीं है, क्योंकि अभी जो इस रूट के क्रिएटर है ना रमेश महाजन जी, वो अपनी तरफ से मैनुअल वाला जो है ओवरहेड वायर लगा रहे हैं, जो कि दिखने में काफ़ी अच्छा होता है, वो अभी यहाँ पर नहीं लगाया गया है। और मेरे गेम का जो डिफ़ॉल्ट ओवरहेड वायर होता है उसको मैंने बंद कर रखा है, क्योंकि यार अगर मैं उसे ऑन कर दूंगा ना तो जो फ्रेट कॉरिडोर है उसकी जो यार वायर्स है ना वो ऊपर भी रहेगी और मेरी गेम वाली भी रहेगी, तो वो काफ़ी ऑड लगेगा। जैसे मैंने वो डबल कॉनकोर वाली फ्रेट चलाई ना तो यार उसमें वो अड़ता हुआ दिखता, तो जिसकी वजह से भाई हमें वापी रेलवे स्टेशन पर कोई भी यहाँ पे वायर देखने के लिए नहीं मिलती है, तो इस चीज़ को आप इग्नोर कर लेना कुछ टाइम के लिए। चलो भाई हमारी ट्रेन लग चुकी है अपने वापी रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर, तो इसे रोकने के लिए तैयार रहते हैं। अपने डोर्स को भी अभी हमें खोलना पड़ेगा। अरे ये क्या आवाज़ आ रही है? अच्छा यहाँ पर एक मालगाड़ी गाइस स्किप कर रही है वापी को फ्रेट कॉरिडोर पे। अच्छा ये देखो इस पे भी एल्को लगा हुआ है, तभी तो मैं सोचूं यार ये चगिंग साउंड कहाँ से आ रही है। ओहो क्या बात है वंदे भारत, तुम्हारे साथ तो सफ़र करके जो मज़ा आया है। चलो तुम्हारे डोर्स को हम यहाँ पे ओपन कर देते हैं गाइस, हमारा यहाँ पे भी 5 मिनट का हॉल्ट दे दिया जाता है। सो गाइस दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, आई होप आप सभी ने एंजॉय किया हो। सो अब आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, अगर आपको पसंद आई हो आप कमेंट करके बता सकते हो आप नेक्स्ट वीडियो कौन सी देखना चाहोगे, मैं ट्राई करूंगा कि उसको बना पाऊं। और यहाँ देखो यार 12954, ओ भाई जिस अगस्त क्रांति राजधानी को हम ओवरटेक करके आए थे वो भाई यहाँ पे रेस्क्यू की जा रही है। अरे इसके वेब 7 का पेंटो ऊपर था, ओ भाई भाई 130 पे यहाँ पर ओवरटेक लग चुका है अपना। सो गाइस स्टे सेफ, कीप वॉचिंग माय वीडियोस, अपना ख्याल रखो, मेरी वीडियोस देखते रहो। अब मैं आप सभी से मिलता हूँ अब नेक्स्ट वीडियो में, आई विल सी यू ऑल इन दी नेक्स्ट वीडियो नाउ।